नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसपी कवर चैनल। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ गूगल मैप के बारे में। तो गूगल मैप पे हम अपने घर का एड्रेस, किसी शॉप का एड्रेस या रेस्टोरेंट का एड्रेस हम कैसे ऐड करते हैं, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा कि आपके फ्रेंड ने आपको कॉल किया और उसे आपके घर का पता या आपके शॉप का पता नहीं है, और वो बोल रहा है कि तुम मुझे लोकेशन भेज दो, मैं उस लोकेशन पर आ जाऊँगा, ठीक है। तो आप लोकेशन सेंड कैसे करेंगे जब आपके शॉप का लोकेशन गूगल मैप पे ऐड ही नहीं है, तो आप कैसे सेंड करेंगे? तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, किसी भी जगह को हम गूगल मैप पे ऐड कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए, आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, आप सीख जाएंगे कि गूगल मैप पे आप लोकेशन को ऐड कैसे करेंगे, ठीक है। आप ये सेम चीज़ आप मोबाइल पर भी कर सकते हैं। मोबाइल पर एक ऐप आता है मैप के नाम से, ठीक है, जो कि प्री इंस्टॉलेड होता है। आपको सेम ऑप्शन मिल जाएगा जो चीज़ मैं आपको डेस्कटॉप पे बता रहा हूँ, ठीक है। और अगर आप इंडिया में हैं तो आप maps.google.co.in ओपन करना, और अगर आप इंडिया से बाहर हो तो maps.google.com ओपन करना, ठीक है। तो मैं इंडिया में हूँ तो maps.google.co.in ओपन करना, ओपन करने के बाद आप इस वाले तीन लाइन पे क्लिक कर देना, ठीक है। इस लाइन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन दिखेगा, लेकिन आपको सारे ऑप्शन पे नहीं जाना है। आपको नीचे एक ऑप्शन पे जाना है, ऐड मिसिंग प्लेस पे, ठीक है। आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करनी है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा मैप का। तो आपको जो भी लोकेशन ऐड करना है, मान लें आपको एक मंदिर ऐड करना है या शॉप करना है, शॉप को ऐड करना है या रेस्टोरेंट को ऐड करना है, या आपके घर का कोई नाम है आप उसे ऐड करना चाहते हैं, तो आप उसे भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल मुझे अपने गांव का एक मंदिर ऐड करना है, जो काफ़ी फेमस मंदिर है, बहुत बड़ा है, हनुमान जी का। मैं उसे ऐड करता हूँ, बाद ये कहाँ पर है अवेलेबल है आप उसका एड्रेस यहाँ पे डाल दीजिए, और बिहार, ठीक है। कैटेगरी आप यहाँ पे सर्च कर लेंगे, ठीक है। अगर आपका टेम्पल है आप यहाँ पे सिंपली आप टेम्पल सर्च करना, अगर आपका शॉप है तो आप यहाँ पे शॉप सर्च करना, ठीक है। अगर आपका रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट देखिए अब यहाँ कैटेगरी अवेलेबल है, क्या आपको क्लिक करना है, सर्च करने की जरूरत नहीं, ठीक है। टेम्पल यहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो मैं यहाँ पर सर्च कर लूँगा, टेम्पल हनुमान जी का है तो ये जरूर है कि हिंदू टेम्पल ही होगा, ठीक है। तो हम हिंदू टेम्पल को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। ये सेलेक्ट करने के बाद हम जो एरो देखिए यहाँ पे आ गया है, इस एरो को हम दिखा देते हैं कि वो टेम्पल है कहाँ, ठीक है। टेम्पल यहाँ पे, ठीक। देन हम सबमिट पे क्लिक करते हैं, कंट्रीब्यूट मोड पे क्लिक करते हैं, ठीक। कंट्रीब्यूट मोड पे क्लिक करने के बाद वो सबमिट हो गया, ठीक है। और उसके बाद लेकिन ये चीज करने के बाद आप सबसे पहले लॉगिन हो जाना अकाउंट पे, ठीक। उसके बाद करना, ये हो गया है, और दो घंटे में गूगल इसको रिव्यू करके पब्लिश करेगा। उससे पहले आपके जीमेल पे एक कंफर्मेशन मेल भेजेगा, ठीक है। एक दो घंटे में आप अपना मेल आईडी चेक कर लेना, और आपके पास ही कंफर्मेशन मेल आया होगा, उसे आप बस एक्टिवेट कर देना, ठीक है, क्लिक करके। देन आपका वो लोकेशन लाइव हो जाएगा और गूगल पे शो होने जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा।
आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।